हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम सिर्फ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई हायर लेवल स्ट्रक्चर नहीं है। आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस, तो उसे आप कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा फोल्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफन फोल्ड्स, और जब ये फोल्ड होगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स। पॉलीपेप्टाइड चेन एक स्पेस में फोल्ड हुई हुई है और ये बना रही है एक हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। पॉलीपेप्टाइड चेन मेक्स हेलिक्स, पॉलीपेप्टाइड चेन एक हेलिक्स बना रही है और उसके हर ट्रन में आपके पास है तकरीबन 3.6 रेजिड्यूज। ईच ट्रन हैज अबाउट 3.6 रेजिड्यूज। अल्फा हेलिक्स आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरह से कि देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। आपके पास इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे हैं। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये है ऑक्सीजन और आपके पास ये है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आ रहा है कार्बोऑक्सैलिक एसिड से और हाइड्रोजन अमाइन ग्रुप से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपकी दूसरी टाइप है बीटा शीट। अब नाम से ही जाहिर है कि ये कोई हेलिक्स नहीं बना रही है, देयर इज नो हेलिक्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ साथ हैं और अगेन दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के पास पास हैं, दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जिस तरह से के अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज कर रही थी अल्फा हेलिक्स को, इसी तरह से बीटा शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज दी स्ट्रक्चर। बीटा शीट का स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से स्टेबलाइज्ड है। ऐसे बीटा शीट में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन आ रहा है कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप से और हाइड्रोजन आ रहा है अमाइन ग्रुप से। ये है आपका कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप और ये है आपका अमाइन ग्रुप। यहाँ पर देख लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप के बीच में। यहाँ पर है आपके पास दो पॉलीपेप्टाइड्स, ये स्टेबलाइज्ड हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जिस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन स्पेस में ट्विस्ट हुई या एक दूसरे के साथ आई और उसने बनाए अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, इसी तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन 3D स्पेस में एक ओवरऑल शेप बनाए, तो उसे कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर।
अब तक यहाँ पर इंटरेक्शंस थी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। ये इंटरेक्शंस बढ़ जाएं, आपके पास हैं आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन। एक स्पेस में इन इंटरेक्शंस की वजह से फोल्ड है, तो अब ये आपका बना टर्शियरी स्ट्रक्चर, द ओवरऑल शेप ऑफ पेप्टाइड चेन इन स्पेस। यहाँ पर हैं मल्टीपल इंटरेक्शंस, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो अब ये बन गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। नोट करने की बात ये है कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपके पास अल्फा हेलिक्स भी हो सकती है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपके पास बीटा शीट भी हो सकती है, और फिर कुछ ट्रंक्स हैं जिन्हें हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पर, लूप्स, ट्रंक्स, ये भी होते हैं एग्जांपल टर्शियरी स्ट्रक्चर की। आपके पास अल्फा हेलिक्स है जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है सिलेंडर की शेप में, पास बीटा शीट है जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है एरो की शेप में, आपके पास हैं लूप्स, ट्रंक्स, और इस पॉलीपेप्टाइड का एक सिरा है कार्बोऑक्सी टर्मिनस और एक सिरा है अमाइन टर्मिनस, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने एक 3D स्पेस में डिफरेंट इंटरेक्शंस की वजह से फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बनाया, ये है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। और यहाँ तक बात हो रही थी सिंगल पॉलीपेप्टाइड की, जिसके पास हैं अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, लूप्स, ट्रंक्स, और ये बना रही है टर्शियरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइन हो आपस में, तो वो बनाएंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। आपके पास हैं मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स और इंटरेक्शंस में आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेम इंटरेक्शंस जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में थी, आयोनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सारे इंटरेक्शंस जोड़े हुए हैं मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, दे आर स्टेबलाइजिंग मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और यहाँ पर हमारी मिसाल है हीमोग्लोबिन, इसके पास हैं 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा 2 बीटा, और इन्होंने मिलके बनाया एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस हो अमाइनो एसिड्स का, और जब वो फोल्ड होके कोई स्ट्रक्चर बनाए एक स्पेस में, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो पहली लेवल होगी उसे कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर इस पॉलीपेप्टाइड की स्पेस में अरेंजमेंट है हेलिकल, तो ये बना रही है अल्फा हेलिक्स, और ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही हैं कार्बोऑक्सैलिक एसिड और अमाइन ग्रुप की वजह से। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ हैं, कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना रही लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रही हैं, तो ये है आपकी बीटा शीट, और यहाँ पर भी हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रही हैं, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफरेंट इंटरेक्शंस हो और वो एक हायर ऑर्डर बनाए 3D स्पेस में, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा, तो ये बनाएगी टर्शियरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मुख्तलिफ इंटरेक्शंस हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन में, आयोनिक इंटरेक्शन भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन के पास हो सकते हैं मल्टीपल अल्फा हेलिक्सिस और मल्टीपल बीटा शीट्स, जो कि हम इस एग्जांपल में देख चुके, और ये स्ट्रक्चर है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। जब मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ें,
तो ये बनाएंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं हेमोग्लोबिन की, इसके पास हैं चार सब यूनिट्स, दो बीटा दो अल्फा, और इंटरेक्शंस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।